तो अपना थार वाला ही आर्मरेस्ट रहने वाला है जो कि प्रॉपर रहने वाला है, और मेरा वेट 80 किलो का है, मैं बैठ के दिखा देता हूँ इससे, तो कोई भी कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं है, आराम से आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले आप जी टी किट देखने वाले हो जो कि अपनी नई वाली अभी रहने वाली है, हमने ग्लोसी का इंस्टॉलेशन करा है इस गाड़ी के अंदर, शार्पिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, प्रॉपर टाटा जेन्युइन आपको स्टीयरिंग कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं सीट कवर हमारे पास 3500 रुपये से स्टार्ट है और 6500 रुपये तक के आपको बढ़िया सीट कवर हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। 4GB RAM 32GB इनबिल्ट के साथ आपको देखने को ये मिल जाएगा, प्लस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको मिलेगा, उसके लिए भी आपको अलग अलग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे ये एंड्रॉइड ऑटो की एप्लीकेशन है और ये एप्पल कारप्ले की। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे, अगेन अपने सामने खड़ी टाटा पर। सबसे पहले मिलते हैं राजन भाई से। राजन भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो राजन भाई कौन सा वेरिएंट रहने वाला है? ये अपना बेस वेरिएंट रहने वाला है। ठीक है जी, जिसको हमने बहुत ही अच्छी मॉडिफाई करा है और बहुत ही अच्छे बजट के अंदर करा है। तो गाड़ी का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ओनली क्लैडिंग चिपकाना बाकी है। बिल्कुल। आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप जी टी किट देखने वाले हो जो कि अपनी नई वाली अभी रहने वाली है, रॉयल कंपनी की अपनी जीटी के रहने वाली है, जिसमें आपको जीटी आपको रेड कलर के अंदर मिलेगा यहाँ पे, और प्लस व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है जी, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके का है वो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, और लुक किस तरीके की आ रही है अपनी जीटी किट की वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अपना फ्रंट में भी रहेगी, बैक में भी रहेगी, और साइड वाले पोर्शन पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिनिशिंग और पेंट बहुत अच्छा है जीटी किट का, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको लगवाते हो तो आपको निराशा हो कि मैंने सस्ती लगवाई है, बहुत अच्छी जी टिकट है। मैं हर कस्टमर को ये कंसीडर करूंगा, ये लगवानी चाहिए आपको। उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो हमने ग्लोसी का इंस्टॉलेशन करा है इस गाड़ी के अंदर जो कि अपना पूरा 12 पीस का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप इसका हेडलाइट वाला पार्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, दोनों साइडों में आपको हेडलाइट ग्लॉस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये ग्लोसी किट जो है वो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें अपने तीन कुछ तरीके की लाइन जो है वो रहने वाली है। ग्लॉसी किट को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे डोर हैंडल्स आप चेक कर सकते हैं, और साथ साथ बाउल वाला जो काम है वो किया गया है, रियर डोर हैंडल यहाँ पे रहेगा, और टेलेट वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 12 पीस की जो ग्लॉसी किट है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है जी। प्राइसिंग की बात करें तो जी टी किट अपने 8500 रुपये की है। ठीक है जी। उसके बाद ग्लोसी किट की बात करें, 12 पीस वाली ग्लोसी किट अपनी 2000 रुपये की है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने फोग लाइट का इंस्टॉलेशन करा जो कि अपनी 1200 रुपये की रहने वाली है, प्लस इसके अंदर हमने रिले का भी इंस्टॉलेशन करा जो कि मिंडा की रहने वाली है, जिसका जो 800 रुपये की कॉस्टिंग करती है। ये अभी जो है हैलोजन बल्ब के साथ रहने वाली है, यानी येलो बल्ब जो है वो चलेगा इसमें जी। इसके अंदर हेडलाइट का भी इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है जो कि जिसका रिस्पांस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा, प्लस बहुत ही अच्छे बजट में आप इसको लगवा सकते हो। प्रॉपर 120 वाट LED ये रहने वाली है, मात्र 2800 रुपये की कॉस्टिंग से हम लगा के देते हैं रेगुलर। आपने ज़्यादातर मेरी वीडियो अगर देखी हो तो हर वीडियो में आपको 120 वाट देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी है, और आपको रोशनी इसमें भरपूर मिल जाएगी, प्लस आपके बजट में आ जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा LED बहुत महंगी महंगी मार्केट के अंदर बिक रही है। तो ये एक आपके लिए बजट फ्रेंडली प्लस एक बहुत नाइस LED है जो कि आप सामने इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, और ये प्रॉपर जो है 120 वॉट रहने वाली है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी आपको 1 ईयर की वारंटी जो है वो भी मिल जाएगी, तो दिन में भी आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं, बहुत अच्छा आ रहा है। जबकि हमारे इस रूम के अंदर LED वगैरह भी लगी हुई है, फिर भी दिन के समय में रोशनी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आ रही है ये, और इसका अपना लो बीम और हाई बीम परफेक्ट काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे इसका हाई बीम लो बीम जो है वो भी चेक कर सकते हैं जी। ठीक है जी। इसके अलावा अपना देखेंगे DRL लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है, डोर पर्पज में रहने वाली है, इंडिकेटर DRL दोनों पर अपना वर्क करती है, और उसी के साथ पार्किंग बल्ब को जो है वो भी चेंज किया जा चुका है। हेलोजन बल्ब आता है इस वाली कार के अंदर रिप्लेस करके, LED बल्ब जो है वो लगा दिया गया है। अगर आप इसको इंडिकेटर पे पुट करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कुछ तरीके से DRL लाइट जो है इंडिकेटर पे सीक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करेगी। अभी बोनट खुला हुआ है, अगर बोनट बंद कर देते हैं तो आपको किस तरीके का लुक मिलेगा वो आप चेक कर सकेंगे। तो बोनट बंद करने के बाद लुक आप यहाँ पे देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है वो अपना आने वाला है। ठीक है जी। तो सामने से लाइटिंग सेटअप के अंदर ये अपडेट जो है वो अपना रहने वाला है जी। इसके अलावा क्या रहेगा? इसके अलावा साइड से बात करें तो अपना व्हील कवर रहने वाला है जो कि टाटा जेन्युइन लोगों के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, 1000 रुपये की कॉस्टिंग से हमने लगा दिया। ठीक है। जो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी फिनिश आपकी गाड़ी को ये दे रहा है। आपके पास डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो डुअल टोन में भी लगवा सकते हैं। उसके बाद हमने रूफ का इंस्टॉलेशन कर दिया जो कि अपने प्रॉपर ABS के अंदर रहने वाला है, फुल ब्लैक के अंदर, और लगाया पूरी फिटिंग से, तो आप देख सकते हैं गाड़ी हिला दी हमने, रूफ रेल अपनी नहीं हिलने वाली है,
और प्रॉपर ABS के अंदर है, फुल ब्लैक के अंदर है, पैनटेक कंपनी है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी कॉस्टिंग की बात करें ना, 1500 रुपए की कॉस्टिंग में इसका भी इंस्टॉलेशन किया गया है बाकी डोरवाइजर जो है भैया ने कंपनी से लगवा लिए थे। अगर आप चाहते हैं लगवाना तो आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, आप इस तरीके के डोरवाइजर जो है वो यहाँ से लगवा सकते हैं, क्वालिटी वगैरह आपको परफेक्ट मिल जाएगी। 500 से स्टार्टिंग है डोरवाइजर, आप लगवा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के आपको डोरवाइजर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अभी क्लैडिंग का काम जो है वो करना बाकी है, अभी क्लैडिंग चिपक जाती है तो वो भी आपको दिखा दूंगा। डोर एज गार्ड जो है वो लगाए गए हैं जो कि आपको चारों कॉर्नर्स पे देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं कार के रियर पोर्शन पे और आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ अपडेट रहने वाले हैं। रियर से बात करें तो अपने GT किट का ये पार्ट रहने वाला है जो कि सिल्वर प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी लुक में आपको देखने को मिलेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आपको इसको लगवाने के बाद निराश नहीं होना पड़ेगा। एक तो ये सेफ्टी पर्पस है आपकी और दूसरा आपकी लुक बहुत एनहेंस कर देगी गाड़ी की। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इसको चेक कर लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे रियर व्यू कैमरा, इसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। आउटपुट कैसा आएगा वो इंटरव्यू में चलेंगे आपको दिखा देंगे। बाकी एक शार्क फिन टाइप रेडियो इंटीरियर जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है जी। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको इंटीरियर से बताते हैं क्या कुछ अपडेट किए गए हैं। तो राजन भाई, कार के इंटीरियर से क्या कुछ रहने वाला है अपना? कार के इंटीरियर से बात करें तो सबसे पहले हम आपको देखेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल अपना रहने वाला है ग्लोसी फिनिश के साथ, प्रॉपर टाटा जेन्युइन आपको स्टीयरिंग कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और ये जेन्युइन रहेगा जिसमें आप चेक करोगे आपको प्रॉपर वर्किंग मिल जाएगा, वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, न्यूटन मीटर वर्क करेगा और BT वगैरह सारे बटन जो है प्रॉपरली काम करने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ तरीके का आपको प्रॉपर जो है देखने को मिल जाएगा। ये ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो है कंप्लीट अपना रहने वाला है। इसी के साथ स्टीयरिंग व्हील पे आप देखोगे तो डुअल टोन फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। मून डिजाइन जो है वो अपना रहने वाला है जिसमें आप चेक करेंगे तो अपर पोर्शन पे आपको ब्लैक इंसर्ट, लोअर पार्ट पे आपको जो है एज ग्रे जो कि अपना लाइट ग्रे रहने वाला है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। डुअल टोन मून डिजाइन इसको कहा जाता है। 800 रुपए की कॉस्टिंग से ये भी आप मेरे से करवा सकते हैं, बहुत ही प्यारे डिजाइन के साथ और बहुत अच्छी फिनिश से आपको हम बना के दे देंगे। उसके बाद सीट कवर आपकी बात करें तो सीट कवर आप देख सकते हैं, सीट कवर हमारे पास 3500 रुपए से स्टार्ट है और 6500 रुपए तक के आपको बढ़िया सीट कवर हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। सेम डिजाइन के अंदर आप 3500 में भी लगवा सकते हो, सेम डिजाइन में आप 5500 में भी लगा सकते हो, सेम डिजाइन में 6500 में भी लगा सकते हो। तो ये सीट कवर बट अपना 6500 वाले रहने वाला है, स्क्रैचलेस वाला जो है अपना ये फैब्रिक रहने वाला है, चाबी वगैरह अगर मारते हैं तो ये फटेगा नहीं। तो जो कि हमने आपको कई बार दिखा रखा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहेगी। बेसिकली सीट कवर के लिए आपको मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप काउंटर पे आइए और फिर डिफरेंस देखिए, फिर अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि एक्चुअल डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे कपड़े को छू करके ही मालूम पड़ने वाला है। और नेक्स्ट की बात करें तो अपना थार वाला ये आर्मरेस्ट रहने वाला है जो कि प्रॉपर रहने वाला है। और इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि पहली बात तो ये बहुत ही मजबूत है। मेरे कुछ भाई बोलते हैं कि भैया हमारा हाथ थोड़ा भारी है, मैं हमने डोले छोले बना रखे हैं, जिम विम कर रखी है, तो ये हिलता है, टूट जाएगा। तो अब इस वाले में ये शिकायत आपको आएगी नहीं। तो हर पहलवानों के लिए आर्मरेस्ट हमने बनवा दिया, थार वाला आर्मरेस्ट। मेरा वेट 80 किलो का है, मैं बैठ के दिखा देता हूँ इससे, तो कोई भी कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं है, आराम से आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आज से इसका नाम क्यों ना बदल के थार वाले आर्मरेस्ट को काट करके पहलवान वाला आर्मरेस्ट रख देते हैं। पहलवानी आर्मरेस्ट है भाई साहब अपना, तो ये भी आप हमसे लगवा सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसके अंदर एंड्रॉयड लगा दिया जो कि अपना पैनासोनिक कंपनी का रहने वाला है। 4GB RAM 32GB इनबिल्ट के साथ आपको देखने को ये मिल जाएगा, प्लस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलेगा। उसके लिए भी आपको अलग अलग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे एंड्रॉयड ऑटो की एप्लीकेशन है और ये एप्पल कारप्ले की। तो मतलब कहने का ये है कि Z-Link, T-Link थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप डायरेक्टली जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपके पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक क्रोम ब्राउजर, प्ले स्टोर, मैप, यूट्यूब और जो भी चाहते हो आप, और जो भी एप्लीकेशन आप चाहते हो उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। HD विजन कैमरा जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, क्लियर क्लैरिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी, सेम आउटपुट जो है वो आपको मिलने वाला है। क्या वारंटी मिल जाती है? वारंटी की बात करें तो 1 साल रिप्लेसमेंट गारंटी रहती है भैया हर चीज़ की, कैमरे की भी, स्पीकर की भी और एंड्रॉइड की भी। बाकी स्पीकर जो इसके अंदर हमने लगाए पाइनियर के स्पीकर लगाए चारों दरवाजों में जो कि आवाज़ बहुत अच्छी दे रहे हैं। इसका रिस्पॉन्स हम भैया से सुनवाएंगे क्योंकि देखो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए गाने वगैरह हम नहीं सुना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे फ्लोरिंग पे 7D मैट का इंस्टॉलेशन कर दिया है जिसका आपको 2000 रुपये की कॉस्टिंग से ये वाला मैट अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको 7D मैट सस्ते चाहिए तो सस्ते भी मिल जाएंगे भैया, 1500 रुपये के भी अवेलेबल है और 1200 रुपये की भी अवेलेबल है। और आजकल मार्केट में 700 रुपये के भी 7D मैट आ रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन वो 7D मैट प्रॉपर नहीं होते, यूनिवर्सल वाले होते हैं। वो यूनिवर्सल वाला लगाने से अच्छा है आप कोई भी सस्ता मद्दा मैट लगा लो, 500, 700, 800 में बहुत अच्छा मैट मिल जाएगा आपको। ठीक है जी।
नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक करोगे एक क्लिप की का भी अपडेट रहेगा। बेसिकली सेंटर लॉकिंग जो है वो इंस्टॉल करी गई जो कि आरडी ब्रांड की रहने वाली है। इसमें एक क्लिप की जो है वो आपको मिल जाती है जो कि इस तरीके से वर्क करेगी। तीन बटन आएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं म्यूट में और अनलॉक कर सकते हैं म्यूट में। दोनों ही कंडीशन आपको मिल जाएगी और ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो मड फ्लैप जो है वो भी नहीं आते हैं। मड फ्लैप का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चारों व्हील्स के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा और हॉर्न के अंदर भी अपडेट किया गया है। डुअल टोन हॉर्न जो है वो लगाए गए हैं, एक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर और एक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये सब एक्सेसरी जो है वो लगी है। नहीं, एक चीज और है साकिब भाई, जो कि अपना वो बॉडी कवर रहने वाला है फुल वाटर प्रूफ वाला। ठीक है, फुल वाटर प्रूफ बॉडी कवर भी इसी बजट के अंदर इस गाड़ी के अंदर हमने दे दिया है। और जितने भी आइटम हमने दिखाई है वो सारी आइटम आपको एक ही बजट के अंदर मिल गई, जो बजट हम आपको कस्टमर से सुनवाएंगे। ठीक है जी, तो अब क्या बजट रहने वाला है और कैसा काम किया गया है उसकी बात हम कार के ओनर से जानेंगे और मिलते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। तो मिलते हैं कार के ओनर से, जानते सर कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। विपुल श्रीवास्तव। विपुल जी कहाँ से आ रहे हैं आप? एक्चुअली मैं न्यू अशोक नगर से आ रहा हूँ। न्यू अशोक नगर, दिल्ली से ही आप? दिल्ली से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह देखा था, उनसे मुझे पता चला कि हाँ मतलब 20 मॉडल से टॉप मॉडल में चेंज किया जाता है, तो ठीक है ट्राई करना चाहिए। तो बेसिकली आप ऑनलाइन सर्च करके यहाँ पे आए थे, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं। हाँ सही रहा, आप आएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर काम मिलेगा आपको। आप टॉप 20 मॉडल को टॉप मॉडल में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, आपके बजट में तो आपको विजिट करना चाहिए। ठीक, मतलब काम में कहीं कुछ कमी आपको फील हुई? नहीं कोई नहीं, बस आपको टाइम लेके आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऑब्वियसली। अगर आपको सारे काम को नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 8 नंबर। तो 2 नंबर काट लिए सर, कोई खास वजह है? थोड़ा सा मैं कोई नहीं 9। नहीं नहीं आप बता सकते हो, 8 नंबर भी ओके है, बट रीज़न बता सकते हो आप? एक्चुअली मैं मॉर्निंग में आया था तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया। ठीक, जो भी रीज़न हो, मतलब सारा जो नंबर 2 नंबर कटे वो टाइम की नहीं काटे। हाँ, काम में कुछ कमी तो आपको फील नहीं हुई? प्रॉपर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके हिसाब से कहा जाए तो सब कुछ काम ओके हो गया है। बजट की बात की जाए, क्या बजट रहा अपनी कार का? मेरा 50,000 था। ठीक है, तो 50,000 में प्रॉपर टॉप मॉडल में चेंज कर दिया गया है। तो 50,000 का जो बजट आपने पे किया है वो आपको वर्थ लगा है? रीजनेबल जो है वो अपना रहने वाला है। इसी भी आप पे रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ विजिट करें। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद।